हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मैंगो पुडिंग। जो हमारे पास घर में चीज़ें होती हैं ना, उसी से हम डिलीशियस एक डिश बनाएंगे, स्वीट डिश में मैंगो पुडिंग। बनाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर मैंगो पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पका हुआ आम। तो ये देखिए, अभी तो आम बहुत बढ़िया मिलने लगे हैं, तो मैंने आम लिया हुआ है। अच्छे से इसको धुल के साफ करेंगे। अभी मैंने एक आम से बनाया है, तो इसको हमें काटना है बहुत ही बारीक बारीक। जैसे मैंने काटा है वैसे भी आप काट सकते हैं। इसमें काटने से बहुत आसानी से ना बारीक बारीक हमारे पास चंक्स आ जाते हैं आम के। तो आपको और भी अगर किसी तरह से काटना हो तो बस हमें आम के ना पीसे छोटे छोटे चाहिए। तो बस वैसे ही आम का पहले पीसेस करके लेते हैं। अब आम के पीसेस तो हो गए छोटे छोटे, अब हम ले लेंगे फ्रेश क्रीम। तो मैंने यहाँ पे मलाई का इस्तेमाल किया है। जो हमारे पास घर में दूध होते हैं ना फ्रिज में, उसमें मोटी परत की मलाई जम जाती है, वही मलाई मैंने एक कटोरी लिया हुआ है। और उसको अच्छे से फेंट देंगे। अब इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, मैंने डाला है 2 चम्मच। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे चीनी पीस के डाल सकते हैं, मतलब शुगर पाउडर डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, मिश्री पाउडर भी डाल सकते हैं। बस हल्का सा हमें मीठा करना है, क्योंकि आम तो वैसे भी मीठे आ रहे हैं। तो मैंने 2 चम्मच कंडेंस मिल्क डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे साइड में रखते हैं। और अब हमें लेना है ब्रेड। तो ये मैंने ब्रेड लिया है, करीब 6 से 7 ब्रेड हैं। तो इसको क्या करेंगे ना, जैसे कि हम गोल गोल काटते हैं ना, सर्कल राउंड में कोई कटोरी से या ग्लास से काट लेते हैं। तो मेरे पास एक कुकीज कटर है जिसमें शेप बहुत बढ़िया है, जैसे डिजाइन भी है। तो देखिए, मैंने बस उसको लगाया है, हल्का सा प्रेस किया है, बस हमारे पास खूबसूरत सा डिजाइन आ गया है। ये तो सिंपल में भी आप काट सकते हैं। क्या करेंगे ना, कोई भी कटोरी, छोटी कटोरी घर में हो तो उससे हल्का सा प्रेस करेंगे। हमें सर्कल में पीस चाहिए होगा, तो मैंने कुकीज कटर का इस्तेमाल किया है। आप कैसे भी गोल साइज में पीसेज इसका कर सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत आसानी हो जाती है, जो देख के बड़ा प्यारा लगता है। तो देखिए कैसे फूल की तरह लगना है, जब कितने फ्लावर खिले हुए हैं। तो बस ऐसे ही कुछ ब्रेड को पहले काट के रख लेंगे। और ये जो ब्रेड निकल रहा है ना, इसको फेंकेंगे नहीं, ये बिल्कुल इस्तेमाल हो सकता है। इसके भी हम ढेर सारी चीजें बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ब्रेड का अच्छे से फ्लावर की तरह काट के पहले रख दिया है। अब हमें इसको असेंबल करना है। तो 2 छोटे छोटे कप ले लेंगे, छोटे छोटे ग्लास भी ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे जो हमने ये क्रीम फेंट के रखा है ना, 1 1 चम्मच पहले वो डालेंगे। इसके बाद से जो हमने ब्रेड का काट के रखा है वो डाल देंगे। तो मैंने दोनों कप में एक एक डाला है। इसके बाद से इसमें 1 1 चम्मच फिर से जो हमारी फेंटी हुई क्रीम है वो डालेंगे। और इसके साथ ही क्या करेंगे ना, जो हमारे पास मैंगो के जो पीसेज रखे हैं ना छोटे छोटे, वो 1 1 चम्मच डालेंगे। तो 1 से 2 चम्मच आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब जितना आपको ज़्यादा रखना हो। तो मैंने करीब 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है। तो बस इसके बाद से हमें फिर क्या करना है कि जो हमारे पास मलाई है वो थोड़ा सा डालेंगे, और इसके ऊपर से फिर से जो हमने ब्रेड काट के रखा है ना वो लगा देंगे। और फिर इसके ऊपर से थोड़ा सा हम वही फेंटी हुई क्रीम डालेंगे, और फिर से मैंगो के जो हमारे पास पीसेज हैं वो डालेंगे। और उसके बाद से फिर एक तरह से जो हमने ब्रेड काट के रखा है वो डालेंगे। तो सबसे लास्ट में जो है, जो ब्रेड का हमारे पास कटपीस पड़ा है ना, वो डाल के, मलाई डाल के, उसके बाद से मैंगो के पीसेज नहीं डालेंगे, वहां तक बस रखे। थोड़ा सा ना इसमें गैप दे के रखे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है, पूरी तरह से मैंने कप को फिल नहीं किया है, क्योंकि बच्चों को देने पे ना ये भरा रहता है तो बहुत जल्दी गिरने लगता है, और बड़े लोगों को खाने में भी आसानी हो जाती है। ये देखिए, सारी चीज मैंने असेंबल करके फिर लास्ट में मैंने ऊपर से एक एक जो ब्रेड का हमने काट के रखा था वो डाला है, और उसके बाद से जो हमारे पास जो ये फेंटी हुई मलाई है वो डाला है। बस अब यहीं तक हमें रखना है। ये आधा से ऊपर है तो थोड़ा सा गैप रहेगा, तो चम्मच से खाने में बहुत अच्छा रहेगा, वेस्ट नहीं होगा और गिरेगा भी नहीं। और इसके ऊपर हम डालेंगे, मेरे पास टूटी फ्रूटी था तो मैंने वो यहाँ पे डाला है। गार्निशिंग में डाल सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें लुक अच्छा देना होता है। और अब ये तो खाने में भी बहुत मजा आएगा। ये देखिए, 2 कप में मैंने ऐसे इसको असेंबल कर दिया है, हमारे मैंगो पुडिंग। अब इसे ले चलते हैं फ्रिज में रखने के लिए। तो ज्यादा देर तक नहीं, बस हमें इसे आधे घंटे तक रखना है, क्योंकि मलाई भी जो थी वो भी ठंडी थी, और जो हमारे पास आम थे वो भी ठंडे थे। तो बस आधा घंटे रखेंगे ताकि मलाई है, ब्रेड है ना, अच्छे से इसमें सेट हो जाए। अब देखिए, आधे घंटे हो गए हैं और कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम देख के लग रहा है ना मजेदार, एकदम प्यारा सा यम्मी, जो देख के मुंह में पानी आ जाएगा। मतलब बनाते बनाते इसमें ऐसा है, गैस भी नहीं ऑन करना है, फटाफट से कहीं भी बन जाता है। बच्चे भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। बस मैंगो के पीसेस कट करके दे दीजिए, वो अपने हिसाब से कोई भी कप प्लेट में असेंबल कर देंगे। तो है ना बनाना आसान। सबसे पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ।
गर्मी में ना इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। ठंडा ठंडा मैंगो पुडिंग, अभी आधे घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया है, तो ये देखिए सेट होके कैसे आ गया है ना, मतलब लेयर पे लेयर है। और अभी मैंने आप लोगों के सामने ही टेस्ट किया है, बहुत यम्मी है और बच्चे भी बना लेंगे इसे। बस ये है, अगर आम को हम काट के दे देते हैं तो अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे भी फटाफट से बना सकते हैं। 10 मिनट में ये जो रेसिपी है बन के तैयार हो जाएगी, और आधे घंटे के लिए बस इसे फ्रिज में रख दीजिए, बस उसके बाद तो मस्त एकदम मैंगो पुडिंग जो है बन के तैयार हो जाएगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और कुछ नहीं करना है। जैसे मेरे पास ये टूटी फ्रूटी थे ना, तो मैंने थोड़ा गार्निशिंग में डाल दिया है, तो खाने में भी मजेदार है ही, लुक भी चेंज हो गया है। आप इसके जगह ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करिए, मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मैंगो को लेकर आपके नज़र में कोई और रेसिपी है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं वो भी बनाऊंगी। तो आज का ये मज़ेदार मैंगो पुडिंग का वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे मेरे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि और रेसिपीज आप मेरे देख सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं और न्यू मज़ेदार रेसिपीज के साथ। थैंक यू।